हेलो फ्रेंड, मैं मनीष सोलंकी स्वागत करता हूँ सोलंकी कंप्यूटर सेंटर में। आज की पहली क्लास में मैं ये सिखाऊंगा सर्च और रन के द्वारा बेसिक कोर्स में जो सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं उनको किस तरीके से ओपन करते हैं। तो आइए हम चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। तो पहले सबसे पहले आप सर्च पर क्लिक करेंगे और सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सॉफ्टवेयरों के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम ऊपर से दिखाई दे रहे हैं पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड पेड, नोट पेड, पेंट, ऑन स्क्रीन, कीबोर्ड। इन सॉफ्टवेयरों के बारे में मैं सर्च में बताऊंगा। अभी तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये दिखाई नहीं देते तो ये किस तरीके से ओपन, ये अधिकतर हम बेसिक में सॉफ्टवेयरों को यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर सर्च में आप कीबोर्ड लिखेंगे। कीबोर्ड लिखने से आप देखेंगे ऊपर स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। जब आप कीबोर्ड को ओपन करेंगे तो सामने दिखाई देगा। कीबोर्ड का अधिकतर हम यूज कब करते हैं, जब ऑफिस में हम डिपार्टमेंट में कहीं पर वर्क करते हैं यानी कि डाटा टाइप करते हैं, अधिकतर कीबोर्ड की हमारी की खराब हो जाती है तो हम इस कीबोर्ड की हेल्प से उस वर्ड को टाइप कर सकते हैं और इसका यूज करना मैं भी इसमें बेसिक में सिखाऊंगा। तो मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूं और नेक्स्ट चलता हूं पेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम पेंट को ओपन करेंगे। सिंपल सा आपको यहां सर्च में पेंट लिखना है और आप एंटर कर देंगे तो आपने देखा पेंट ओपन हो चुका है। इसमें मैं स्टार्टिंग में एक कमांड बताता हूँ। अधिकतर आपने देखा होगा कभी कभी जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो ये फुल स्क्रीन पर नहीं आता, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पर क्लोज करना, मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करना, इसकी तीन शॉर्ट की बताऊँगा जिससे कि कभी भी आपको यूज एडवांस बनाती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कीबोर्ड को क्लिक किया, ये मैक्सिमाइज हो चुका है। अगर हम कीबोर्ड से ही इसको मैक्सिमाइज करें तो किस तरीके से करेंगे, तो आइए हम देखते हैं कीबोर्ड की तरफ पहले और फिर हम अपने कीबोर्ड से यूज करके देखेंगे। तो आपको प्रेस करना है Alt स्पेस X। तो कीबोर्ड से आप यूज करके देखिए Alt स्पेस X। तो आपने देखा ये मैक्सिमाइज हो चुका है। नेक्स्ट, यानी कि अधिकतर हम माउस का यूज करते हैं मिनिमाइज करने के लिए। मैं आपको कीबोर्ड से मिनिमाइज करना बताऊंगा। ये बेसिक की कमांड है जो आपको एडवांस बनाती है। तो देखते हैं मिनिमाइज, हम अधिकतर माउस से मिनिमाइज कर देते हैं। तो देखा आपने मिनिमाइज हो चुका है। इसी को अगर हम शॉर्ट की से मिनिमाइज करें तो किस तरीके से करेंगे, आपको कीबोर्ड से यूज करना है Alt स्पेस N। तो ये कीबोर्ड काम नहीं करता है कमांड में, तो मैं कीबोर्ड से आपको यूज करके बताता हूं। तो आपने देखा मिनिमाइज हो चुका है। नेक्स्ट, हम अधिकतर माउस से क्लोज कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा माउस काम वर्क करना बंद कर देता है यानी कि हैंग हो जाता है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर बंद करना है। तो किस तरीके से बंद करेंगे, इसकी कमांड आपको क्या लगानी है, आते हैं कीबोर्ड की तरफ। यहाँ पर आपको प्रेस करना है Alt F4। क्या यूज करना है, Alt F4। तो आप देखेंगे जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे ये आपसे पूछेगा कि ये सॉफ्टवेयर में बनी हुई फाइल को सेव करना है या नहीं। अगर आपने कुछ पॉइंट यानी कुछ डाटा टाइप करके डिलीट भी कर दिया है तब भी ये डिस्प्ले होगा और ये पूछेगा कि आपको फाइल सेव करनी है या नहीं। अभी मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्क करना बताऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ
सॉफ्टवेयर को ओपन करने की कमांड में बता रहा हूँ जो बेसिक में आपको ज़रूरत होती है। तो मैं अभी डोंट सेव कर रहा हूँ इसको, आपने देखा कि वो सॉफ्टवेयर बंद हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम नोटपैड। नोटपैड सर्च में लिखना है सिंपल, एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड से या क्लिक कर सकते हैं। वही सेम डिस्प्ले, मैं अभी आपको शॉर्ट की बता चुका हूँ कि आपने देखा कि नोटपैड यहाँ पर स्मॉल में आ रहा है, फुल स्क्रीन पर नहीं है। इसको फुल स्क्रीन पर करने के लिए ऑल्ट स्पेस एक्स का यूज कर सकते हैं जो मैं पेंट के बारे में बता चुका हूँ। ऑल्ट स्पेस एन के द्वारा इसको मिनिमाइज कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम वर्डपैड की तरफ। सर्च पर आपको वर्ड टाइप करना है, वर्डपैड। थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग हो गया है और अब हम थोड़ा सा देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए रिफ्रेश सिस्टम को हम कब करते हैं, जब थोड़ा सा हैंगिंग प्रॉब्लम आती है, यानी कि सिस्टम में वर्किंग रुक जाती है और हमारा काम करना बंद कर देता है। तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप। कीबोर्ड से कैसे रिफ्रेश करेंगे और माउस के द्वारा कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ आपको रिफ्रेश का बटन दिखाई देगा। राइट फंक्शन हम ओपन करते हैं, लेफ्ट से हम रिफ्रेश पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सिस्टम को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और डेस्कटॉप पर एक बार क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से F5 प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पर अब देखिए सर्च मेरा काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम इसमें हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है। तो मैं आपको सर्च के अलावा एक रन कमांड बताऊंगा, अधिकतर स्टूडेंटों को ये जानकारी नहीं होती है जो बेसिक करते हैं। तो रन को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे, सर्च काम नहीं करे, स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया और रन आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से यहाँ पर विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। तो आपने देखा ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसके अंदर नेक्स्ट जो मैं बताने वाला था, यानी कि वर्डपैड, यहां पर सिंपल आपको क्या लिखना है, रन के अंदर वर्डपैड लिखना है। तो आपने देखा जो हमारा सर्च से काम नहीं हो रहा था वो हमने रन के द्वारा सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। नेक्स्ट अब मैं आपको रन के द्वारा ही बताऊंगा क्योंकि मेरा सर्च काम नहीं कर रहा है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सर्च में आपको क्या लिखना है और रन में आपको क्या लिखना है। तो हमने देखा अभी तीन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। अगर आप सर्च में लिखेंगे तो सिंपल पेंट, नोटपैड, वर्डपैड ही लिखेंगे, मगर रन के अंदर आप पेंट लिखेंगे तो वो ओपन नहीं होगा। देखा, यानी कि आप इसके अंदर MS Paint लिखेंगे, क्या लिखेंगे, MS Paint लिखेंगे। MS Paint से आपने देख लिया कि ये ओपन हो चुका है। यहां से मैं क्लोज कर देता हूं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि MS Office, जो ऑफिस में यूज किए जाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट। पहले मैं आपको बता दूं कि रन में आप क्या लिखेंगे और सर्च में आप क्या लिखेंगे। सर्च में वर्ड ही लिखा जाएगा। सर्च में आप सिंपल सा एमएस ऑफिस को, यानी कि वर्ड से ओपन कर सकते हैं और रन के द्वारा आप क्या यहां पर वर्ड नहीं लिखेंगे। तो आपने देखेंगे जैसे मैंने वर्ड लिखा ये एरर आ चुका है। अधिकतर बेसिक सीखने वाले स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं।
क्योंकि उनको पता नहीं होता, जो सर्च में हमने लिखा है वही कमांड हम रन में डाल देते हैं। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, विनवर्ड। विनवर्ड आप टाइप करेंगे रन के अंदर तो आप देखेंगे एमएस ऑफिस का पार्ट यानी कि वर्ड ओपन हो रहा है। तो आपने सीखा कि सर्च में हम क्या लिखेंगे और रन में हम क्या लिखते हैं। 100% चलता है, ये वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हैवी वर्जन है या छोटा स्मॉल वर्जन है। यहाँ पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने से आपका वर्क स्टार्ट करना हो जाता है। अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और नेक्स्ट आता हूँ एक्सेल की तरफ। तो प्रेस करता हूँ विंडो आर, यहाँ पर सिंपल मैं एक्सेल लिखूँगा, प्रेस करूँगा एंटर और एक्सेल की शॉर्ट की सर्च में लिखें या रन में लिखें सेम शॉर्ट की आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम पावर पॉइंट। यहाँ पर पावर पॉइंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं पावर पीएनटी और सर्च में हम सिंपल सा पावर पॉइंट ही लिख देंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो हमने सीखा कि वर्ड में हम की शॉर्ट की जो लिखी थी विनवर्ड लिखी थी, एक्सेल की जो शॉर्ट की थी हमने एक्सेल लिखी थी और पावर पॉइंट की शॉर्ट की हमने पावर पीएनटी लिखी। तो आइए मैं आपको एक बार डिस्प्ले पर चेक करा देता हूँ कि रन के अंदर इन सॉफ्टवेयरों की क्या कमांड है। तो आपने सीखा यहाँ पर ओएसके यानी कि कीबोर्ड में हम ओएसके लिखेंगे यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, नोटपैड को हम नोटपैड लिखेंगे और वर्डपैड को वर्डपैड लिखेंगे, पेंट को एमएस पेंट और वर्ड को विनवर्ड, एक्सेल को एक्सेल और पावर पॉइंट को पावर पॉइंट। तो हमने ये बेसिक में सॉफ्टवेयर को ओपन करना सीख लिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें।